अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 2023 का सॉल्व्ड पास्ट पेपर। ओके, सो स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी कि हमें इसके जो क्वेश्चंस हैं और इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करवाए जाएं। सो आज हम बिल्कुल उन्हें कवर करेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी। सो इसका जो पास्ट पेपर था ये पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया गया था, और इससे जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन है किस तरह से इसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताई गई थी, और बाकी जो इसके पास्ट पेपर्स हैं ना वो भी आपको बता दिए गए थे 2023 सेकेंड सेमेस्टर के। सो वो आप वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके जो सॉल्व पेपर है ना ये सारा, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। सो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हाट डज डिक्लेरेशन डू, किस तरह से डिक्लेरेशन करवाई जाती है किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी फंक्शन पर, ठीक है। सो हमारे पास टू टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर अभी जस्ट आपका इतना ही रहता है, ठीक है, कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हमारे पास इसका डेटा टाइप आती है और साथ ही हम इसका कोई भी वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, फंक्शन की डेटा टाइप आती है और उसका नेम आता है, साथ उसके पैरामीटर्स आते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो डेटा टाइप है वो वाइड है और उसका नेम है डिस्प्ले मैसेज और इसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स अभी इसके खाली हैं, आगे जो भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी होगी उसकी डेफिनेशन होगी उस लिहाज से इसके अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे, ओके। सो जस्ट ये सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि व्हाट हैपन इन डू व्हाइल लूप व्हेन द कंट्रोल कंडीशन फॉल्स इनिशियली, कि हमारे पास डू व्हाइल लूप में क्या होता है, अगर कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाए परफॉर्म करवाने के लिए, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो तो लेकिन डू व्हाइल क्या करेगा, डू व्हाइल उसे एक दफ़ा टर्मिनेट ज़रूर करेगा, प्रोग्राम को रन करके अपने जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि लास्ट पे उस पर लास्ट पर जाके उसकी जो कंडीशन है ना वो लगी होती है, उससे पहले जो भी होगा ना वो सारा हमारे पास आउटपुट आएगा, ओके। सो उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो एक्चुअल फंक्शन क्या काम करता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है वो बताया जाता है, ठीक है। उसमें अगर हम एग्जांपल में देख ले तो हमारे पास है ऐड का, उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, और हमने इसे मेन में कॉल करवा लिया, इसके जो पैरामीटर्स हैं ना ए बी हैं, ठीक है, सम का उन्होंने बता दिया कि ए प्लस बी ने ऐड करना, ठीक है। हमने मेन फंक्शन के अंदर ऐड और हमने हार्ड कोड यहाँ पे कर दिया, मतलब कि हमने बजाय एक नए दो नए वेरिएबल लेने के, एक्स वाई या ए बी लेने के, हमने डायरेक्ट ही फंक्शन कॉलिंग के अंदर उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं कि डायरेक्ट जाके जब कॉल हो तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो लेके तो सम करवा के उसका रिजल्ट शो करवा दे, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो ड्राई रन आगे हैं, इन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ करके तो आउटपुट हमें दे। अब हमारे पास जो पी है वो भी ट्रू है, क्यू है वो भी ट्रू है, सो हमने पी हमारे इक्वल है कि निगेशन पी और क्यू, अब निगेशन पी है तो जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स और ट्रू हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि आर वाला जो ऑपरेशन है ना इसके अंदर अगर एक भी ट्रू हो तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ट्रू आता है। इसी तरह ये ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। इसी तरह निगेशन पी है, फॉल्स एंड फॉल्स हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स हमारे पास आर के अंदर है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा पी का आंसर, ठीक है, ये मैंने पी के आउटपुट लिख दिया। इसके बाद क्यू है तो क्यू का कैसे आएगा, हमारे पास पी आर क्यू, मतलब ट्रू आर ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू होगा, लेकिन बाहर उन्होंने क्या लगा दिया निगेशन का, तो हम क्या कर देंगे ये ट्रू से फॉल्स में हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, पी के हमारे पास ट्रू आ गया और क्यू के हमारे पास फॉल्स आ गई, ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी उन्होंने ड्राई रन कहा हुआ है, हमारे पास है फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी जब हमने भी इसे अटैम्प्ट करना था, सो आप इसे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे पास है कि 0 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 आए, ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया 0, तो इसके अंदर जो सी ओ टन है वो करवा देंगे आई प्लस 1, 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब आई की वैल्यू क्या होगी 1, अब हम आगे जाएंगे एल्स इफ में देखेंगे, आई रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन इसकी होगी फॉल्स, ठीक है, सो आगे ये फर्दर मूव ऑन ही नहीं करेगा, ये बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आई की वैल्यू हमारे पास अब क्या है 1, ठीक है, सो हम फिर इसे अगेन इसे देखेंगे, ठीक है, सो आई आई की कंडीशन क्या है हमारे पास जो है ना वो 1 है, ठीक है, सो जब अगेन इसके अंदर आएगा इफ़ के अंदर इसे चेक करेगा तो हमारे पास क्या आएगा आई रिमाइंडर 2 1 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, सो ये
आंसर नहीं ना देगा, यहाँ से पहले ही कंडीशन फॉल्स होगी, सो ये एल्स वाले पे चला जाएगा और सी आउट करवा देगा आई की जो वैल्यू होगी वन को, ठीक है। उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास वन से आ जाएगी टू, तो हम अगेन इफ़ में जाएंगे, इफ़ पे कंडीशन चेक करेंगे तो टू रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो हमारे पास आ जाता है। फिर हम इसके अंदर जाएंगे, टू प्लस वन हमारे पास क्या आ गया थ्री, तो हमने आउटपुट लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो आई की वैल्यू है ना वो क्या है थ्री है, एल्स इफ में आएंगे तो थ्री रिमाइंडर थ्री इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, ये सी आउट के अंदर आएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई मतलब इसको वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, थ्री मल्टीप्लाई वन क्या होगा वन, तो इसका जो आउटपुट आना हमारे पास वन आ गया। अब ये फिर इसके अंदर जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होते जा रही है तो ये आगे मूव ऑन करता जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो एल्स पे आ जाएगा सीधा, जैसे सेकंड वाली कंडीशन पे आया था एल्स पे ही आ गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्री, ये कोई कंडीशन ट्रू नहीं ना हुई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप से। अगेन इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो फोर डिवाइज टू हमारे पास रिमाइंडर इसका टू आता है, जीरो आता है, तो ये क्या होगा फोर प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव, ये हमारे पास फिर आगे जाएंगे तो ये कंडीशन फोर रिमाइंडर थ्री, तो ये हमारे पास जीरो नहीं आएगा, ये हमारी कंडीशन गलत फॉल्स हो जाएगी, तो हम बाहर आ जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। फिर बाद में इसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा सिक्स आ जाएगी, तो सिक्स डिवाइड टू हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आता है, ठीक है, तो सिक्स प्लस वन हमारे मतलब इसका रिमाइंडर है ना वो जीरो आता है, ओके। ओके सो जब हमारे पास थ्री आया, थ्री के बाद हमारी कंडीशन जो हुई वो होगी फोर, ठीक है, तो फोर को इस यहाँ पे चेक किया गया तो सही आ गया, फोर प्लस वन को किया तो फाइव आ गया, फाइव हमारा आ गया, ठीक है। आगे फर्दर इसको मूव ऑन किया तो हमारी कंडीशंस कहीं पे भी फिट नहीं थी आ रही, ठीक है। सो हम अगेन गए तो अब हमारे पास जो है ना फाइव की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू फाइव है, तो यहाँ से ये कंडीशन रॉन्ग होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आया तो ये थ्री पे पूरा नहीं होता, नीचे आया ये एल्स इफ पे आके इसने चेक किया तो फाइव का जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आ गया, इसने जो सी आउट करवाया फाइव मल्टीप्लाई आई किया, ठीक है, टू मल्टीप्लाई फाइव किया तो हमारे पास टेन आ गया, टेन माइनस वन हमारे पास क्या आ गया नाइन, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया नाइन का। अब हमारे पास जो आई की वैल्यू है ना वो सिक्स होगी इंक्रीमेंट होके, सिक्स होने के बाद क्या हुआ जी, अब यहाँ पे सिक्स रिमाइंडर टू हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, ये पूरा इस पर डिवाइड हो गया, ठीक है। सो सिक्स प्लस वन हुआ हमारे पास सेवन आ गया, सो नीचे गए तो आगे इसकी जो कंडीशन है ना वो मतलब कम्प्लीटली नहीं आई फर्दर सुवान, सो हमारे पास ये सेवन तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई सेवन हुई तो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये वाला हमारे पास जो आउटपुट है ना ये आ गया, ओके। सो उसके बाद हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ कि राइट अ प्रोग्राम डैट प्रमोट्स द यूज़र टू एंटर द टू इंटीजर्स, हमने टू इंटीजर्स को एंटर करना है, ठीक है, फिर उनको हमने सब्ट्रैक्ट करवा देना है, उसका डिफरेंस निकालना है। अब अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो हमने शो करवा देना है कि नंबर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ना हुआ तो हमने शो करवा देना है अगर नंबर एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं या डबल, जो भी इसकी जो डेटा टाइप है ना वो ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डबल ली हुई है कि नम वन नम टू और इसका डिफरेंस है ना इन्हें डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक है। फिर कहेंगे एंटर करो नंबर, एंटर करेगा, फिर कहेंगे सेकंड नंबर एंटर करो, वो भी करेगा, फिर इन दोनों को हम माइनस करवा देंगे, ठीक है, फिर इसका जो डिफरेंस है ना वो शो करवा देंगे। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो इसका डिफरेंस है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर वो लेस दैन जीरो होगा तो अदरवाइज वो नंबर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारा करके इसकी आउटपुट ये आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में उसने कहा है कि इसमें उन्होंने कंडीशन दी है कि आपके पास एक एप्लीकेंट आया है अपनी जॉब के लिए, हमने कंडीशन रखी है कि उसका जो एज है ना वो एटलीस्ट 20 हो, ठीक है, और उसकी जो एक्सपीरियंस हो ना वर्क का वो भी 5 ईयर्स का हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फॉर फर्दर एडिशनली आपने ऐड करना है कि उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है ना वो 25 पाउंड हो और उसके जो लिखना है ना राइटिंग है ना, ठीक है, वो 60 वर्ड्स पर मिनट लिख सकता हो, ठीक है। सो देन हमने डिस्प्ले करवा देना है कि एक्सेप्टेड है अदरवाइज रिजेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप्स में इंटीजर डेटा टाइप में ले ली एज, वर्क एक्सपीरियंस, लिफ्ट कैपेसिटी और टाइपिंग स्पीड, ठीक है। सो हमने कहा कि एंटर योर एज, एज एंटर की गई, वर्क एक्सपीरियंस, लिफ्टिंग कैपेसिटी और टाइपिंग स्पीड, ये सब कुछ एंटर कर दिया गया। फिर हमने कहा कि अगर हमने कंडीशन लगा दी कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 और वर्क एक्सपीरियंस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड एडिशनली जो ऐड किया था लिफ्टिंग कैपेसिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 25 एंड टाइपिंग स्पीड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 पर मिनट, ठीक है, 60 वर्ड पर मिनट। सो आपने कह देना कि ये एक्सेप्टेड है अदरवाइज ये रिजेक्टेड है। सो हमने यहाँ पे कंडीशंस दी। अब इन दो
दो वाली पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, आर का, ठीक है, आर का परफॉर्म हो रहा था, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये वाली पे भी आर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, इसमें हमने एक को ट्रू रख दिया और एक को फॉल्स रख दिया, तो ये फॉल्स ट्रू ट्रू हो गई। पहले वाले में फॉल्स थी टोटली, सेकेंड वाले में भी एक ट्रू आई तो ट्रू हो गया आर के अंदर। जब दोनों को कंबाइन किया एंड के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो फॉल्स आ गया, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेंट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम डेट लेट्स अ यूजर एंटर अ सीरीज ऑफ इंटीजर, द यूजर शुड एंटर 0 टू सिग्नल द एंड ऑफ द सीरीज, आफ्टर ऑल द नंबर्स हैव बीन एंटर्ड द प्रोग्राम शुड बी द काउंट द नेगेटिव नंबर्स एंटर बाय द यूजर। ओके, सो इसमें बेसिक्स फंडा ये है कि यूज़र ने सीरीज़ को एंटर करते जाना है, जब तक वो 0 एंटर नहीं ना करेगा तब तक उसकी सीरीज़ एंड नहीं होगी, ठीक है। और उसमें उसने नेगेटिव नंबर भी एंटर करने हैं, पॉजिटिव भी, उसने काउंटर लगा देना एक और बता देना कि इसमें कितने नंबर हैं जो नेगेटिव आए हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इंटीजर में ले लिया एक नंबर्स को, सीरीज़ को जो एंटर करना है, और नेगेटिव नंबर हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ। ओके, सो हमने कह दिया सीट करवा दो, एंटर सीरीज़ ऑफ इंटीजर एट द एंड ऑफ एंटर 0 फॉर स्टॉप द सीरीज़, ठीक है। सो फिर हमने वाइल की कंडीशन लगाई, अगर नंबर नॉट इक्वल टू होगा 0 के तो तब तक ये सीरीज़ चलती रहे, जब हम 0 एंटर कर देंगे ना तो तब वहाँ पे एंड हो जाएगी और हमें काउंट करके बता देगा, ठीक है। और हम फिर कहेंगे सीन कर दो नंबर्स को, ठीक है। अगर इससे पहले करवाते वाइल से पहले तो एक नंबर जस्ट एंटर होना था, आगे कोई भी हमें आउटपुट शो नहीं थी होनी, ठीक है। इसलिए वाइल की कंडीशन के अंदर हमने सीन करवाया नंबर को, और हमने कहा कि इफ़ नंबर लेस दैन 0 तो हमारा जो एक काउंटर है ना वो लूप चलता जाए और हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो काउंट करता जाए, ठीक है। सो बेसिकली ये था, और एस में कह दे कंटिन्यू, और यहाँ पे सी आउट करवा दिया, हमारे जितने नंबर होंगे ना नेगेटिव वो हमें काउंट करके बता देगा, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर को प्रिंट करवा दिया। ओके, सो ये था बेसिक सा सारा पास्ट पेपर का सोल्यूशन। सो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन में हम अपनी क्यूरी रख सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में या किसी ऐसे कोर्स के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।